के खिलाफ देश में चल रहे टीकाकरण अभियान में मंगलवार को भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश ने अब तक 70 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी है, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा की खुराक सिर्फ पिछले 13 दिनों में दी गई है। गौरतलब है कि बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत हर दिन रिकॉर्ड 1 करोड़ 25 लाख कोविड वैक्सीन खुराक लगा रहा है। मनसुख मंडाविया ने ट्वीट पर जानकारी साझा करते हुए भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति पर एक ग्राफिक साझा किया। इसमें बताया गया, जनवरी में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के बाद देश में पहले 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने में भारत को 85 दिन लगे। वैक्सीन के अगले 10 करोड़ डोज देने में 45 दिन लगे। 29 दिन में 20 से 30 करोड़, 24 दिन में 30 से 40 करोड़, 20 दिन में 40-50 करोड़ और साथ ही 50-60 करोड़ खुराक देने में 19 दिन लगे। केवल 13 दिनों में अब तक की सबसे तेज 40 से 70 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। गौरतलब है कि भारत ने इसी साल जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को डोज लगाने के साथ ही अपने कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। टीकाकरण अभियान का धीरे धीरे विस्तार किया गया, फिर 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को और अंत में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को शामिल किया गया। स्काई न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट।